इस मंत्र को जपने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। जिस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता उस बच्चे को इस मंत्र का जाप करना चाहिए, उसमें एक अलौकिक शक्ति भगवान प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में बहुत कष्ट है वो इस मंत्र का जाप करे, उससे मुक्ति मिलती है। महामृत्युंजय जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेने वाला मंत्र है। हमारे भोले बाबा अवगढ़धानी शमशानों में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सर्पों की माला, माथे पे गंगा विराज, हाथ में त्रिशूल, छाल पहने हुए मृग का और बसहास पे सवार हैं। अपने ही धुन में रहते हैं, ये किसी का सुनते नहीं, हर वक्त समाधि में लीन रहते हैं। तो ये किनकी समाधि में लीन रहते हैं पता है आप लोग को? किनको किनको पता है ये किनके याद में बैठे रहते हैं? जोर से श्री राम क्या बोलेंगे? जय श्री राम। ये राम जी के याद में उनको ही शिव जी हैं, राम को गुरु मानते हैं। और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी शिव को गुरु मानते हैं। जब राम जी को मौका मिलता है तो शिव की आराधना में लीन हो जाते हैं, और जब मेरे बाबा को मौका मिलता है तो वो भी इनकी ही भक्ति में लीन हो जाते हैं। बस ये दोनों ही एक दूसरे में मग्न रहते हैं। एक बार मैया और भोले बाबा अपने गुरुजनों के बीच कथा का श्रवण पान कर रहे थे, तो कथा किसकी हो रही थी? राम जी की। कथा किसकी हो रही थी? राम जी की। लेकिन मैया को कभी मन ही नहीं लगता। भोले बाबा हमेशा कहते कि तू मेरे राम की कथा को सुनना नहीं चाहती, सुनो, एक बार सुन लोगी ना तो फिर वही इच्छा करेगा। तो वो तो राम जी की जो कथा होती है ना, राम कथा, वो शिव से ही शुरू होती है। आप राम कथा सुनने जब बैठेंगे तो शिव कथा पहले होगी, तब राम जी की का वर्णन आएगा। तो वो तो बहुत लंबी 9 दिन की राम कथा होती है, ऐसा सौभाग्य होगा तो राम कथा भी सुनाया जाएगा इस मंदिर में। तो राम जी की कथा को श्रवण करती है मैया बाबा के साथ। आज प्रजापति जो हैं सब मिलकर एक यज्ञ की तैयारी किए हैं, और ये यज्ञ चलेगा पूरा 1 साल तक लगातार। लेकिन ये यज्ञ चलेगा इसके बारे में एक सलाह मशवरा करना है। तो आज जितने भी प्रजापति थे, ये दक्ष जो थे, सबों को निमंत्रण दिया कि आज हम लोग बैठेंगे और वहां विचार करेंगे कि ये जो 1 साल तक जो हवन चलेगी 1000 सम, इसके लिए क्या क्या किया जाए। तो सारे देवतागण आके बैठे, और मेरे भोले बाबा तो बैठे तो बस राम जी के ध्यान में खो गए। जब दक्ष प्रजापति आए, सबों ने खड़ा होकर उनका स्वागत वंदन किया, लेकिन हमारे भोले बाबा नहीं उठे, वो तो अपने ध्यान मग्न में थे। ये देखकर दक्ष जो थे उनको बड़ा बुरा लगा, बोले देखो एक तो मैं अपनी बेटी को इनके साथ ब्याह कर दिया, इस नाते मेरे दामाद होंगे, लेकिन इनको क्या समझाएं, इनको ये भी पता नहीं
अगर कोई सभा में आते हैं जब सब कोई खड़े हुए हैं तो ये क्यों नहीं खड़े हुए? बोले कि अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो इतनी बातें क्या करनी थी, कोई नाराज हो गए और कभी उठ के चले गए तो जितने देवता बैठे थे वो लोग भी पीछे पीछे उठ के चल दिए, क्योंकि भोले बाबा अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी यज्ञ की पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होगा जब तक कि भोले बाबा नहीं बैठे। जब भोले बाबा रहेंगे ही नहीं वहां पे तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? अब तो चले गए और यज्ञ होना जरूरी था। अंत में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। जब ये देखिए, जब हमें कोई पोजीशन मिल जाता है, जब हमें कोई पदवी मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो हमें सबसे पहले सर्वप्रथम घमंड आ जाता है कि मैं तो नेता हूं या मैं इस पदवी पे मुखिया हूं, जो भी हूं, अगर उस गांव का सबसे बड़ा प्रमुख हूं तो थोड़ी सी घमंड आ जाती है। क्योंकि ये जो यज्ञ हो रही थी, बृहस्पति नामक यज्ञ था और इस यज्ञ में सभी पति पत्नी सहित उसमें आना था, तो जब ये अधिपति बन गए तो बोले कि छोड़ो, अब भोले बाबा को निमंत्रण देना नहीं है, सबको दे देना है। सबों को पत्री चली गई, बाबा को गया नहीं। बाबा तो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। आज मैया नहा के निकली, अपने केशों को सुखा रही है। आज माँ के मन में थोड़ी विचलिता है, थोड़ा लग रहा जैसे कि कुछ ऐसा होने वाला अनुभव महसूस हो रहा है। देखिए, माताओं को लगता होगा ना, जब अपने पीहर में कुछ ऐसा होने का होता है ना, तो लगता कुछ होने वाला है, लगता है कि नहीं? तो लगता हाँ, अभी घर में कुछ काज प्रयोजन होने का था। आज मैया को भी लग रहा है, सती को, कि कुछ होने वाला है। बाबा बैठे हैं और बाबा से पूछती, बाबा मुझे लग रहा है कि बहुत लोग आकाश मार्ग से सब कहीं जा रहे हैं, देवता किन्नर गंधर्व, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं मुस्कुरा के, आंखें बंद किए हुए, सती देखो मैं बता देता हूं, ये सब तुम्हारे पिताजी के घर में जा रहे हैं। पिताजी के घर में? हाँ, तुम्हारे पिता ने यज्ञ की कामना मन में रखी और यज्ञ करवा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं। हमसे नाराज है इसीलिए वो आए नहीं, ना मुझे खबर दिया, और वो लोग अपने आप कर रहे हैं, तो निमंत्रण नहीं मिला तो मेरी एक बात मानो, अब ये मत कह देना कि मैं भी जाऊंगी। बाबा सब जान रहे हैं कि क्या होने वाला है। सती मैया बोलती है, इसमें भी कोई बात है क्या? मैके में हो सकता है कि मेरे पिताजी भूल गए होंगे, हो सकती है मेरी माँ थोड़ी भूल के विसर गई होगी, इतने बड़े आयोजन किया है मेरी माँ पिताजी ने तो भूल गई होगी, मैं तो जाऊंगी। बाबा ने कहा, देखो अब तो कुंवारी नहीं है, अब तो मेरी पत्नी है, और पत्नी का घर पति का घर होता है, तो तुम बिना पति को कहे या बिना उनकी बात माने जाओगी तो पछताओगी। मैया कहती, देखिए अगर आप सच कह रहे हैं तो आज मुझे कुछ नहीं सुनना, आज मुझे जाना ही है। बाबा समझ गए कि तू जाने की जिद तो कर रही है, लेकिन अब तू मेरे पास दोबारा लौट के आ नहीं पाऊंगी। बाबा को बड़ी तकलीफ हो रही है, मान क्यों नहीं रही है? सती का अब हमसे दूर होने का वक्त आ गया है। सती कितना तपस्या करके मुझे पाई, लेकिन औरत को कौन समझाए? पत्नियों को कोई नहीं समझा सकता। कोर्ट में जो जज होते हैं ना, वो जो मुवक्किल आते हैं ना, जो जिसको सजा मिलनी होती है,
तो कोर्ट के जो जज होते हैं ना, एकदम सीना तान के कहते हैं उनको ये सजा दी जाए करके पेन लिखते हैं। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया हो तो पेन तोड़ देते हैं अपने। जो मृत्यु दंड देने वाला हो, जो पहले हुआ करता था, या बड़े बड़े दंड दिए जाते हो, वह भी जो जज है पत्नी के सामने ऐसा हुआ था, ऐसे बंदी बना रहता पत्नी के सामने, जैसे लगता कितना बड़ा गुनाहगार किया हुआ है कि नहीं, बोलिए हाँ बोलिए कि ना, हाँ ना। और हमारे भैया लोग जान रहे हैं, लोग भुक्त भोगी लोग हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा, ठीक माता ना। कितने बड़े भी नेता हो, कितने बड़े भी जज हो, मिनिस्टर हो, जो भी हो, पत्नी के सामने मुजरिम है वो, क्या बताएं, बड़ी हालत खराब है पत्नियों की, पतियों की। अब पत्नी पूरा एकदम मजे में, लेकिन गलती जो भी हो, मैके की बात पे कुछ भी सुनना नहीं है, बस जाना है। आज सती मैया भी जिद कर गई, और देखिए ना, बहाना ऐसे ऐसी बनाएगी ना कि पति निशब्द हो जाते हैं, शब्द ही नहीं है, इतना बोल देगी बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, नहीं बुलाए तो क्या हुआ, अपने से जाना चाहिए, है ना, ऐसी बोल के चली जाती है। तो आज सती मैया भी भोले बाबा कहती कि छोड़िए ना, इतना बड़ा आयोजन किया है मेरे पिता ने, भूल गए होंगे, तो दिल बड़ा करके चलिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे भाई बहन। आज बाबा सोच रहे हैं, सती तो मेरी बात को नहीं मान रही हो ना, तो जाओ, क्योंकि पति हमेशा हरा है पत्नी के सामने, और तू तो बड़ी कष्ट करके मुझे पाई है, कितने सूखे पत्ते खाए, कितने सूखे गर्मियों में तूने अपने शरीर को तपाया है, वर्षा में तूने अपने शरीर को कष्ट दिया, ठंड में तूने बिना शाल के मुझे पाने के लिए तप किया, चलो तुम्हारे लिए मैं हाँ करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा। अब बाबा सोच रहे हैं कि इतना तपस्या की, लेकिन क्या करूं, एक पत्नी को समझाना बड़ी कष्टदायक। आज मैया कह रही, बाबा जल्दी से खाना वाना खा लो, भांग भी मैं घोट के दे दे रही, पी लो। बोलती है, अरे कल रोज तो मैं मांगता था भांग दो, तो कहती थी कि मत खाओ, और आज तो पहले ही दे दे रही है। सब व्यवस्था बना दी मैया ने, क्योंकि मैके जाना है ना, और तैयार हो गई जाने के लिए। बाबा ने कहा, देखो जा रही हो तो मेरी एक बात मानना, अपने साथ नंदी को भी लेके जाओ, अपने कुछ गण को दे दी बाबा ने। मैया खुशी से एकदम अपने खुशी को प्रकट करते हुए अंदर से गदगद होके पहुंचती है, और देखा उनकी बहनें भी आई हुई थी। जैसे ही वहां पहुंची, देखे औरतों में एक प्रकार की ऐसी शक्ति होती है बचपन से ही, फीमेल में, अगर कोई अपने मन से उसको अगर छू दे अच्छा से, तो अच्छा का अनुभव होता है, और गलत कोई छू दे ना, तो गलत का अनुभव भी महिलाओं को हो जाती, माताओं को होता है ना। अगर आप किसी के पास गए हैं, अगला आपको किस तरह से चाह रहा वो भी महसूस हो जाता है। तो जैसे ही मैया वहां पहुंची, तो पिता का मुंह तो लटका हुआ, कोई खुशी नहीं हुई, बहने भी मुंह फेर लिया, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं। माँ जैसी अपनी बेटी को देखी, सती को, अरे बेटी सती, आ गले लगाती है, बेटी मैं तो तुझे ही याद कर रही थी, तूने अच्छा किया तू आ गई, लेकिन मेरे जवाई। तब सती ने कहा, माँ पिताजी ने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, उन्होंने तो हमारे घर में पत्नी नहीं भिजवाई, इतने बड़े सारे देवता आए, अपने अपने पत्नियों के साथ में आए हैं यज्ञ में बैठने के लिए। चलो कोई बात नहीं, हमारे परमेश्वर जी का स्थान कहाँ पे है। अब माँ चुप हो गई, क्या बताए कि उसके लिए कोई स्थान नहीं है।
देखा यज्ञ हवन के पास पंडाल में जाके सारे देवता बैठे हुए थे, गंधर्व बैठे हुए थे, लेकिन महादेव का कोई स्थान नहीं था। मैया ने देखा अंदर से, देखिए औरतों में एक चीज और है, शादी के बाद अपने मैके के लिए तो लड़ जाती है लेकिन पति के लिए भी लड़ती है। क्या बोलना पड़ेगा? अगर पति का अपमान हो जाए तो फिर क्या बता है? इसलिए पति का सम्मान के लिए बेटियां कहती है कि नहीं माँ, इनका सम्मान होना चाहिए, और सच भी यही है, होना चाहिए। अब मैया ने देखा कि मुझे कोई पूछे ना पूछे कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति का स्थान नहीं है। अब यहां पर सती को याद आता अपने पति की बात कि बिन बुलाए अगर कोई कार्य हो रहा हो तो हमें नहीं जाना चाहिए, चाहे वो मां का घर ही क्यों। और मैया मां जो है देख रही है सती कहां जा रही है। सती गई अग्निकुंड के पास जहां हवन का कार्यक्रम चल रहा था। मैया ने अपने हाथ में जल लिया और जल लेकर आचमन की, और आचमन करके क्रोधित होकर उसी हवन कुंड में अपने प्राण का दाह कर दिया। बोलिए सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ, कोई सोच समझ भी नहीं पाया, इतना जल्दी हुआ। मैया जैसी उस हवन कुंड में कूदी, बाबा को बताएं कि बाबा मैया ने अपने शरीर का देह का त्याग कर दिया है उस हवन कुंड में। बाबा तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने ये सुनते ही, सिर्फ सुनने की देर थी, सुनते ही अपने बालों का एक जटा को खींचा और खींचकर जमीन पर पटक दिया बाबा ने क्रोध होकर। और जटा को पटका, पटकते ही एक भयंकर आवाज आई, भयंकर आवाज आई, और आवाज से एक पुरुष प्रकट हुआ, दैत्य पुरुष जिसका नाम था वीरभद्र। और बाबा ने कहा वीरभद्र तुम जाओ और उस यज्ञशाला को तहस नहस कर दो। वीरभद्र को तो सिर्फ आदेश का इंतजार था। वीरभद्र क्या किया, अपने गणों को और भी साथ गणों को लेकर सीधे यज्ञशाला पहुंचा और जाकर वहां पूरा यज्ञशाला को ध्वस्त कर दिया। किसी के हाथ काट दिए, किसी के पैर काट दिए, पूरा यज्ञशाला ध्वस्त। और वही ने दक्ष प्रजापति के गर्दन को भी काट डाला, पूरा कोहराम मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। और बाबा क्रोध से कैलाश पे कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, और कांपते हुए पीछे से आए, आकर देखा सती मैया हवन में गिरी जली हुई थी। बाबा ने उसे कंधे पे लिया और जब मैया का वो रूप देखा तो बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। और तीसरा नेत्र खुलते ही बाबा तांडव करने लग गए और क्रोध से कांपने लगे। अब देवों के देव महाराज महादेव जब क्रोध में आए तो कौन रोके। मेरे भाई बहन, पूरी दुनिया सृष्टि पूरी कांपने लग गई, और कांपने लग गई पूरा नदियां समुद्र पहाड़ सब झरने गिरने लगे, ध्वस्त होने लगे, पूरे धरती में कंपन सा छा गया, पृथ्वी कांप रही है, पेड़ पौधे गिर रहे हैं, भूचाल सा आ गया। अब इसे कौन रोके, कौन रोके इसको। सारी पृथ्वी में जो हलचल मची, देवता लोग घबरा गए, अब पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्यों, बाबा नाराज हो गए हैं, तांडव करने लगे। और तांडव करते करते वो नाचने लगे पूरे जटाओं को फैला के। जितने पहाड़ थे वो जितने बर्फ थे पूरा उथल पुथल करके नदियों में बहने लग गए।
जो धरती थी पूरा घड़घड़ाहट होकर उलट पलट होने लग गई, पशु पक्षी सब विचित्र होने लग गए। ये सब देखकर देवता लोग सोचे कि अब अगर भगवान भोले बाबा को रोका नहीं गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, ये नदियां, ये पर्वत, ये वन उपवन सब खत्म हो जाएगा, इन्हें कैसे शांत किया जाए। सब देवता लोग मिलके विष्णु के पास गए, बोले भगवान, भगवान आप ही कुछ लीला धारी आप तो हैं, आप ही कुछ रास्ता बताएं, वरना भोले बाबा तो पूरी सृष्टि का विनाश करने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। मेरे भाई बहन, सारे देवता लोग भगवान के पास आते हैं सब मिलके। अब देखिए क्या हुई, विष्णु भगवान अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से सती को के अंगों को अब धीरे धीरे काटना है ताकि अंग ना रहे और बाबा शांत हो जाए। लेकिन जितने भी देवता लोग थे वो लोग घबरा के कांप रहे थे और सब मिलकर भगवान को मना रहे हैं, चलिए भोला बाबा को हम लोग भी मनाते हैं। माथे गंगा की धार, गले सर्पों की माल, महादेवा देवा कैसे करूं तेरी सेवा। आते गंगा की धार, गले सर्पों की माल, भोले बाबा को मनाते हैं। जय हो। जल कैसे चढ़ा